Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment that is BPAS 184 Logistic Management आपका ये assignment है और इसका assignment A वाला part हमने discuss कर लिया था last lecture के अंदर. Assignment B आज discuss करेंगे और ना केवल आपको solutions provide करूँगी, इसके meaning भी मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ. नाउ अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव्स बताओ लॉजिस्टिक के. फोर्थ पार्ट कह रहा है कि आप एक्टिविटीज़ और प्रोसेस बताओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की. और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि अगर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और इक्विपमेंट पे आपको नोट प्रिपेयर करना है. तो 10-10 मार्क्स की ईच है. मैंने तो अराउंड, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अराउंड एक मतलब 10 पॉइंट्स तो इंक्लूड करने की कोशिश की है. बाकी इसमें बढ़ाना है कि कम करना है, इट्स अप टू यू. मैंने फुल फ्लेज आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब है प्रॉपरली. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड रिस्क, इन्वेंट्री का शॉर्टेज ना हो जाए और इन्वेंट्री एक्सेस में नहीं होनी चाहिए. दोनों ही चीज़ों का आपको ऑप्टिमम ध्यान रखना है. नाउ कॉस्ट एफिशिएंसी, इस तरीके से आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करोगे कि आपका मेन एम होना चाहिए कि पैसा भी कम लगे और टाइम भी कम लगे, ताकि आप प्रॉपर प्लानिंग करो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस माइनस करो, ये सब. नाउ टाइमली डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी का क्या मतलब है, टाइम पे प्रॉपरली क्या हो सके आप प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सको, ताकि कोई भी डिससेटिस्फेक्शन कस्टमर को ना देखनी पड़े. नाउ रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर आएगा कि रिस्क को भी आपको कम करने की कोशिश करनी है, मिटिगेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कंपनी की रेप्यूटेशन को बढ़ाने के लिए. नाउ ऑब्जेक्टिव फिफ्थ की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मीन्स आपको बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ना है. जो घिसी पिटी टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ पे नहीं, एक नॉलेज होना और आपको एडवांस सिस्टम, एडवांस नॉलेज, रियल टाइम ट्रैकिंग वगैरह इस्तेमाल करनी है, ताकि आपका प्रोडक्ट कहाँ है, बेटर टाइमली रिसीवेबल हो रहा है लोगों को नहीं, ये आपको इन्फॉर्म होता रहे. नाउ सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आप ना केवल प्रोडक्ट बनाओ, उसको सेल करो, आप इस तरीके के प्रोडक्ट बनाओ कि वहाँ वो जो प्रोडक्ट हैं वो एनवायरनमेंट को किसी तरीके से नुकसान ना पहुँचाएं, वो नुकसान मिनिमम तरीके से हो. नाउ स्केलेबिलिटी का मतलब है आपको एक लॉन्ग सिनेरियो पीरियड को कवर करना है, लॉन्ग पॉपुलेशन को कवर करना है, ठीक है, और ग्रोथ हो सके, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा और वाइड रेंज को कवर करेगा. नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड रेगुलेशन. जब आप प्रोडक्ट बता रहे हो या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको मेन रूल्स, रेगुलेशन का, लॉज, लॉ एंड ऑर्डर का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर कोई फाइन है तो वो फाइन वगैरह पे करना, उसकी डिले ना होना. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिशन से, कॉम्पिटिटर से आगे आप निकलो, ताकि कस्टमर लॉयल और मार्केट की रेपुटेशन आपको मिले. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सामान को खरीदा जाता है, तो परचेजिंग वाली प्रोसेस आती है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को खरीदोगे. उसके बाद रॉ मटेरियल, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बैन एंड जेरी आइसक्रीम फ्लेवर मिंट चॉकलेट, हैज़ क्रीम, स्किम मिल्क, शुगर, एग योक, ये सब कुछ मिला हुआ होता है आइसक्रीम को बनाने के लिए, प्लस वेरियस फ्लेवर्स भी इंक्लूड होते हैं. नाउ अब हमने सामान खरीद लिया आइसक्रीम बनाने का या कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, अब आप क्या करोगे, उनको ऑपरेट करोगे डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे कंपनी रन होएगी और वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी और ये भी देखती रहेगी कि फ्यूचर में इसका क्या काम है.
नाउ लॉजिस्टिक क्या फंक्शन होता है, जहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं, सप्लाई चेन एक्टिविटीज, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ लॉजिस्टिक वाले पार्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने इंक्लूड किए हैं सो दैट का आपका जो आपका असाइनमेंट है ये और इम्प्रोवाइज मैनर में आपको दिख सके। नाउ रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरीके की प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है, जहाँ पे आप कंट्रोल करोगे रिसोर्सेस को एक्सेस में या शॉर्टेज, आपकी जो भी रॉ मटेरियल वगैरह या रिसोर्स की है, या प्रॉपर तरीके से सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। नाउ इंफॉर्मेशन वर्क फ्लो का मतलब है इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए, वहाँ डिले ना हो, मिस्टेक ना हो, प्रॉपर अप्रोच फॉलो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप्स इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब ये स्टेप्स आ गए प्रोसेस। सबसे पहले है प्लान, प्लान किया जाता है, जैसे कि आपने देखा था कि जब COVID-19 आया था तो उस टाइम पे हमें मास्क की या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर की कितनी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर अफेक्ट भी हुए थे 43%। तो ये क्या बता रहा है आपको कि आप प्लानिंग करोगे, फिर आप सोर्स ढूंढोगे कि इलेक्ट्रॉनिक चिप है या सर्किट बोर्ड्स है या कुछ और नेसेसरी मटेरियल है, इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ग्लोबल ट्रेड हुई थी US चाइना में, उन्होंने इन सब चीज़ों को कैसे टैकल किया था। अब आपने सोर्स ढूंढ लिया, अब आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे, मेक करोगे। अब इस प्रोडक्ट को मेक करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अदर अदर सोर्स मटेरियल, फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, दे वुड यूटिलाइज्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड स्किल्ड लेबर टू प्रोड्यूस द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन इज डिलीवर, फिर आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर दोगे टाइमली, और अगर इन केस कोई भी कंप्लेन वगैरह आती है तो आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज ऑफर भी अवेलेबल कराओगे, ताकि कस्टमर और लॉयल हो आपकी कंपनी से रिलेटेड। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट। तो पता, अब सबसे पहले आप मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को समझो। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से पहले मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, जहाँ पे आप गुड्स की मूवमेंट कराते हो एक जगह से दूसरी जगह, आप उसको बचाने की भी कोशिश करते हो, आप उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हो, आप उसको स्टोर भी करते हो। मतलब सामान को बनाने से लेके सामान को लोगों तक पहुंचाना मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। मटेरियल हैंडलिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होती है, और जब ये एक सिस्टमेटिक वे में हो जाता है तब वो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कहलाता है। जब आप चीज़ों को, मटेरियल को आप इक्विपमेंट की तरीके से इस्तेमाल करते हो, तब वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आ जाता है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे मैनुअल, जो कि प्रॉपर तरीके से मैन यूज़ करेगा, सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड में मतलब कुछ काम आप करोगे, कुछ काम मशीन का होगा, और ऑटोमेटेड में सब कुछ मशीन का ही होगा। टू असिस्ट द मूवमेंट एंड स्टोरेज, ना अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले स्टोरेज, सामान को इकट्ठा करना और सामान को हैंडल करना, ये आपका आ जाता है सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग में। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि पैलेट रैक्स, शेल्व्स, बिन, ड्रॉअर, मैजनीन और स्टैकिंग फ्रेम्स। ये क्या है, सामान को नॉट इवन स्टोर करके रखेगा, बल्कि सामान को प्रॉपर तरीके से मैनेज भी करेगा। बल्क हैंडलिंग मटेरियल इक्विपमेंट, जहाँ बहुत भारी भारी अमाउंट में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं, लिक्विड हो गए, फूड एंड मिनरल हो गए, ये सब चीज़ें आ गई। बल्क हैंडलिंग के लिए आपके पास कन्वेयर बेल्ट होनी चाहिए, इधर से उधर मूवमेंट के लिए स्टैकर्स हो सकते हैं, रिक्लेमर्स हो सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को पिकअप करेंगे, बकेट एलिवेटर होंगी और हॉपर होंगे। इंडस्ट्रियल ट्रक्स कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रक आर व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड मटेरियल, जो कि हाउस वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है लोड और अनलोड करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट्स को। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल ट्रक्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर बताया हुआ है फॉर्कलिफ्ट। फोर लिफ्ट, हैंड ट्रक,
ठीक है, पैलेट ट्रक, साइड लोडर, ऑर्डर पिकअप। नेक्स्ट वन इज इंजीनियर्ड सिस्टम। इंजीनियर्ड सिस्टम या ऑटोमेटेड सिस्टम एक सॉल्यूशन है इन कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी का, जो कि कंप्यूटर और रोबोट्स के द्वारा किया जाता है। नाउ इसके फायदे क्या हैं? मटेरियल हैंडलिंग की आपको वर्क प्लेस एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, क्योंकि हम सेफ टाइप के मटेरियल का, इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ को सही जगह पहुंचाने के लिए। ना इम्प्रूव्स इम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे इम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है, इम्प्लॉय की इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्लॉय को ये संतुष्टि रहती है कि अगर इन केस उनकी लाइफ या उनको कहीं ना कहीं कैसे भी नुकसान है तो कंपनी है उनके लिए। ना इसकी वजह से इम्प्लॉय अपना और 100% देता है कंपनी को, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो दैट्स ऑल, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है असाइनमेंट के। अब ये लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर सी रह गया आप लोगों के लिए, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।